तुझ में पिता है, तुझ में यीशु है, हर शय कहती मुझ में रूह है, तुझ में पिता है, तुझ में यीशु है, हर शय कहती मुझ में रूह है, तेरी शक्ति अनोखी है, तेरे होने से, तेरे रहने से, तेरी अगुवाई पे चलने से, तेरे होने से, तेरे रहने से, तेरी अगुवाई पे चलने से, जिंदगी मेरी महकी है। आत्मा तू यदि मुझ में नहीं तो कुछ भी नहीं है मुझ में नया, आत्मा तू यदि मुझ में नहीं तो कुछ भी नहीं है मुझ में नया, तुझसे ही पहचान मेरी, तुझसे ही हूँ मैं जिंदा, तुझसे ही पहचान मेरी, तुझसे ही हूँ मैं जिंदा, तू सब लोग गाइए, अपने हाथों को उठाइए स्वर की तरफ, अपने हाथों की तरह गाइए, बुलाइए तू तकता हूँ, कर दे मुझको फिर से नया, आत्मा मैं तेरी राह तकता हूँ, कर दे मुझको फिर से नया, सृष्टि की रचना तुझसे हुई है, सृष्टि को महिमा तुझसे मिली है, सृष्टि की रचना सब लोग आइए, सब लोग आइए, तुझसे हुई है सृष्टि को महिमा तुझसे मिली है, तू ही ज्योति का मूल है, तू ही दिखाता तू समझाता यीशु को दुनिया के सामने लाता, तू ही दिखाता तू समझाता यीशु को दुनिया के सामने लाता, काम तेरे बहुमूल्य है, आत्मा तू प्रभु यीशु की संपूर्णता को दिखलाता, आत्मा तू प्रभु यीशु की संपूर्णता को दिखलाता, अंत समय के चिन्हों को तू सबके सामने बतलाता, अंत समय के चिन्हों को तू सबके सामने बतलाता, तू अपने हाथों को उठाइए, अपना मुंह खोलकर बोलिए तू तू
धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारा पूरी तरीके से संरक्षण ले। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में हम चलें। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को महसूस करें। तेरी बुद्धि तेरे अनुग्रह से परमेश्वर हम परमेश्वर तेरे वचनों को समझ सकें, प्रभु के वचनों को समझ सकें, बाइबल के हर एक वचन की सिद्धता को समझ सकें परमेश्वर, और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। हो परमेश्वर तू महान है, तू महान है पिता परमेश्वर, तू जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। यस लॉर्ड, तूने अपनी आत्मा हमारे अंदर उड़ेल दी ताकि उसकी अगुवाई में हमारा जीवन पवित्रता के साथ तेरी सेवा करे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तू महान है। धन्यवाद इस सभा को आपके चरणों में रखता हूँ। जो भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए आशीष मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बुद्धि खोले परमेश्वर, ताकि वो तेरे ज्ञान, तेरे नियमों को, तेरे वचनों को, तेरे प्यार को, तेरी योजनाओं को, तेरी वाचा को समझ सकें। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगता हूँ। इस पूरी कलीसिया को आपके पवित्र सामर्थी लहू की सुरक्षा का बाड़ा बांधता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए, जो बोलेगा हालेलुया हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। बैठिए बैठिए बैठिए। हालेलुया। रे मान लखा हिंदो रमा मंदो शिकला रे। हालेलुया। परमेश्वर महान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्रता दी है। कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग इस बात को अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं? पवित्रता, परमेश्वर ने अपनी पवित्रता किसको दी है? हमें दी है। इसका मतलब मैं कौन हूं? पवित्र, परमेश्वर का पवित्र जन हूं मैं। आमेन। हमारा इंट्रोडक्शन क्या है कि मैं परमेश्वर का पुत्र तो हूं लेकिन पवित्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसी विश्वास के संग हमें अपने मसीह जीवन को जीना है। इसी विश्वास के साथ हमें विश्वास वरदान के रूप में मिला है। आप नहीं जानते आपको क्या मिला है। हमें जो विश्वास मिला है जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमने उस क्रूस पर विश्वास किया, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके उसका अंगीकार किया, आप शापों से, पापों से मुक्त होते हैं और आप उद्धार पाते हुए नया जीवन पाते हैं और विश्वास का वरदान आपको मिलता है। विश्वास का वरदान। इसलिए रोमियो में पौलुस कहता है कि हम मसीह जो हैं वो हमें, हमारा जीवन है विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ना। हमें विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ना है। जो हमारे पास है हम उसके साथ मिलेंगे। रोमियो 1:17 अगर पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा हुआ है हम मसीह, हमें संदेह के साथ नहीं जीना है। हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है पीछे तक? प्रेज द लॉर्ड। हमें संदेह के साथ नहीं जीना है। कई दिनों से यह बोझ मेरे अंदर था कि मैं बताऊं अपनी कलीसिया को, अपने मसीह भाइयों को जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर के अनुसार जीना चाहते हैं, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमें किस तरीके से जीना है। हमें विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ना है। पढ़िए बेटा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा हाँ। लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन। परमेश्वर की धार्मिकता हमें कब प्रकट होगी? जब हम विश्वास से विश्वास की ओर जिएंगे। ध्यान दीजिए, आपके पास परमेश्वर की धार्मिकता है? अगर आप विश्वास से जिंदगी नहीं जी रहे हैं तो उसकी धार्मिकता आपके अंदर काम नहीं कर सकती। उसकी धार्मिकता आपके अंदर काम नहीं कर सकती अगर आप विश्वास से जिंदगी नहीं जी रहे हैं। विश्वास हमें क्या बताता है? विश्वास हमें बताता है कि हमने जो परमेश्वर से मांगा है वो हमें देगा। विश्वास हमें बताता है
कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा और हमें लेकर जाएगा। विश्वास हमें बताता है कि इस धरती पर हमारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से हो रही है। विश्वास हमें बताता है कि हमें वो अविनाशी अमिट उत्तराधिकार मिला है। विश्वास हमें बताता है कि यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम शुद्ध हो चुके हैं, हम पवित्र किए जा चुके हैं, हम अपवित्र नहीं है। Praise the Lord, हम शुद्ध हैं। विश्वास हमें बताता है कि हम यीशु मसीह में शुद्ध हैं, हम यीशु के लहू से शुद्ध हो चुके हैं। Praise the Lord, कुलुसियो 1:22 का कहता है कि यीशु मसीह के शरीर में मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र, निष्कलंक और निष्पापी बना दिया है। पढ़िए बेटा कुलुसियो 1:22, कुलुसियन 1:22। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। Praise the Lord, उसके लहू के द्वारा हम पवित्र बन चुके हैं, निष्कलंक बन चुके हैं, निष्पापी बन चुके हैं। हमें अपना जीवन, यानी कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है? निष्कलंक महसूस करते, मैं निष्कलंक हूं, मैं निष्पापी हूं, मैं निर्दोष हूं। मैं क्या हूं? बोलिए, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। लेकिन शैतान इसका उपयोग करता है। शैतान आपको कभी भी यकीन नहीं होने देता कि आप निर्दोष हैं। शैतान का यह हथियार है। शैतान आपके अंदर दोष की भावना लेकर आता है। Praise the Lord, आपके अंदर दोष की भावना लेकर आता है कि नहीं, अभी आप पवित्र नहीं है, और हम मान जाते हैं। हम अपने पवित्र होने के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे पवित्र कर दो। कैसी प्रार्थना है? प्रभु आपको पवित्र कर चुका है। अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे पवित्र कर दो, तो इसका मतलब आप यीशु मसीह को क्रूस पर दोबारा लटकाना चाहते हैं। हेलो, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटका? ताकि हम पवित्र हो जाएं। आमेन। ये हो चुका है कि नहीं हो चुका है? 2000 साल पहले हो चुका है। यीशु की कब्र अभी तक खाली है। यीशु मसीह मर चुका है, उसने अपना लहू बहा दिया है, वो इस समय परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हमारी किसके लिए? मध्यस्थी के लिए। इब्रानियों 7:25, किसके लिए बैठा है? मध्यस्थी के लिए। हेलो हेलो, मुझसे बात करिए आप। मध्यस्थी के लिए मास्क पहनो, मास्क पहनो सब लोग, कोई बिना मास्क के नहीं रहेगा। मास्क पहनो, मध्यस्थी के लिए। इसके लिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अब इस वचन को लोग गलत समझते हैं। वो समझते हैं हमारे लिए विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? किसे माफ कर दीजिए। नो, वो इस चीज के लिए विनती नहीं कर रहा है। जब आप सचेत होते हैं, जब आप कहते हैं परमेश्वर मैं आपके और करीब आना चाहता हूं। Praise the Lord, लुका में क्या लिखा है? लुका 8 में कि जो घर अपना चट्टान पे बनाते हैं, वो लोग 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएंगे। मेरी बात मेरी तरफ देखो, कितना लाएंगे फल? 30 गुना 60 गुना 100 गुना। यानी कि 100% कोई नहीं ला रहा है, कुछ है जो 100% लेकर आएंगे। तो किन की मदद के लिए बैठा हुआ है? जो समझ तो गए लेकिन 10% फल ला रहे हैं, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी बुद्धि खोल, ताकि मैं और वचनों को समझ सकूं, ताकि मैं तेरे अनुसार चल सकूं,
मैं आपके और करीब आऊं, मेरे आत्मिकता को, मेरे आत्मिक में, मेरे आत्मा को और बल दे। मेरे मन की आंखों को तूने जो ज्योतिर्मय किया है, उस आंखों से मैं और तेरे अंदर की गहराई को देख सकूं, तेरी इच्छा को जान सकूं, तेरे महान गुणों को, पहला पत्रस 2:9 कि तेरे महान गुणों को प्रकट कर सकूं। हेलो, शैतान लेकिन क्या चाहता है? आप में दोष की भावना लाता है। आप समझते कि मैं पवित्र नहीं हूं, आप समझते कि मेरे पाप है। हेलो, एक पाप होता है कि आपको शैतान याद दिलाता कि तूने पाप किया है। एक पाप आपके एक विचारों के रूप में आता है और एक पाप आप कर लेते हैं, दोनों में अंतर है। आर यू गेटिंग मी? दोनों में अंतर है। एक पाप जो आप कर लेते हैं वो पाप है, लेकिन एक पाप विचारों के रूप में आपके अंदर आता है। पुराने पाप विचारों के रूप में आपके अंदर आते हैं, लेकिन शैतान आपको बेबस करता है कि आप जो विचारों के रूप में पाप आ रहे हैं उनको भी आप अंगीकार कर लें और उनके लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। विचारों में पाप थे वो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा 27:5-27 मत्ती 5:27 कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार मत करना, किसी भी औरत के संग संगत गलत संगति करना व्यभिचार है। लेकिन मैं बताता हूं कि अगर तुम किसी औरत को गलत निगाह से देखते भी हो तो वो व्यभिचार है। क्या कहने का मतलब है? यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि किसी औरत को देखना पाप नहीं है। Praise the Lord। किसी औरत को देखना पाप नहीं है, लेकिन उस औरत को गलत निगाह से देखना पाप है। आप मेरी बात समझे? बिजनेस करना पाप नहीं है, धंधा करना पाप नहीं है, लेकिन उस धंधे को ईश्वर बना देना पाप है। हेलो, यस। उस धंधे को गलत निगाह से देखना, यानी कि जब जिस दिन आपने अपने मन में स्वीकार कर लिया कि धंधा नहीं है तो मैं नहीं हूं, इसका मतलब धंधे को आपने प्रभु की वो जगह दे दी, रिश्तों को आपने प्रभु की जगह दे दी, यार मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं नहीं हूं, वो गलत है। रिश्तों से प्यार करना, इज्जत करना बड़ी अच्छी बात है। तो शैतान आपको कंफ्यूज करता है। व्यभिचार क्या है? किसी को देखना व्यभिचार नहीं है। मेरे पास पैसा आ रहा है व्यभिचार नहीं है, लेकिन अगर वो पैसा मेरे दिमाग को खराब कर दे और वो पैसा मेरे लिए पहला प्यार बन जाए, वो पाप है। आर यू गेटिंग मी? वो पाप है, वो पाप है। इसलिए शैतान हमारे अंदर दोष की भावना लेकर आता है। आप समझते हैं कि हम पवित्र जीवन जी ही नहीं सकते? आपको क्यों चुना है उसने? इसका मतलब आप नहीं चुने हुए, क्योंकि उसने आपको चुनकर पूरी तरीके से पवित्र कर दिया है। कुलोसियों 1:22 के अनुसार उसने पूरी तरीके से आपको पवित्र कर दिया है। लेकिन शैतान हमारे अंदर दोष की भावना लेकर आता है। क्या लेकर आता है? अगर आप पढ़ेंगे रोमियों 7:15 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो काम मैं नहीं करना चाहता हूं वो तो करता हूं, लेकिन जो नहीं कर, जो मुझे पता है कि ये काम बुरा है, मैं नहीं करना चाहता हूं फिर भी करता हूं। क्योंकि शैतान आपके अंदर दोष की भावना लेकर आ रहा है, शैतान संदेह की भावना लेकर आ रहा है कि नहीं प्रभु मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, मैं चुना हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। हेलो, संदेह लेकर आता है। और हम कौन है? परमेश्वर की धार्मिकता हम में कब काम करेगी? जब हम अपना जीवन विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ाएंगे।
मुझ में रोज एक विश्वास का, मेरा जो विश्वास है रोज बढ़ना चाहिए। हालेलुया। रोज बढ़ना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा? जब हम परमेश्वर के और करीब होते जाएंगे। रोज परमेश्वर के हमें करीब होना है, वचन पढ़ना है, करीब जाना है। ओके, यह है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर ऐसा स्वभाव चाहता है। उसने अपनी आत्मा क्यों दी आपको? उसने अपनी आत्मा क्यों दी है? ताकि आपके अंदर वो परमेश्वर जैसा स्वभाव पैदा कर सके। Praise the Lord। यानी कि नौ फलों को वो आपके अंदर प्रकट करना चाहता है। लेकिन आपकी जो दोष की भावना है वो पवित्र आत्मा को काम करने से रोकती है। Are you getting me? आपके अंदर जो दोष की भावना है वो आपको, क्योंकि आप उसके नौ फल अपने अंदर कैसे पनपेंगे, कैसे आप पनपाएंगे उनको? जब आप ये महसूस करेंगे कि मैं इस योग्य हूं, मैं धीरजवंत हो सकता हूं, मैं संयम रख सकता हूं, मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर आनंद है, शांति है, सहनशीलता है, विश्वास है। Praise the Lord। अगर आपके अंदर दोष की भावना आएगी तो पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे काम करेगा? आप हर समय यही बोलते रहेंगे, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। अरे 2000 अगर आप माफी नहीं हुए हैं तो आप मसीह नहीं हैं। हेलो। हां, सचेत रहिए कि कोई गलत विचार आपको ना आए, वो ये मेरा काम का नहीं है। क्या बांधा यीशु मसीह ने? क्या दिया कलीसिया को? स्वर्ग की कुंजियां दी। यीशु मसीह को स्वर्ग की कुंजियां दी। कौन सी स्वर्ग की कुंजियां? कि जो स्वर्ग में, तो जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। Praise the Lord। स्वर्ग में कौन सी चीजें बंधी हुई हैं? यानी कि स्वर्ग में कौन सी चीजों की मनाही है, स्वर्ग में कौन सी चीजें नहीं होती हैं? बीमारी स्वर्ग में होती है? तनाव स्वर्ग में होता है? निराशा स्वर्ग में है? सताव स्वर्ग में है? इन चीजों को आपको धरती पर बांधना है। नो, मेरे लिए बीमारी नहीं है। हालेलुया। मेरे जीवन में सताव की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वर्गीय आदमी हूं। जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में, यानी कि स्वर्ग से आपको हामी मिल जाएगी, परमिशन इस टाइम पड़ जाएगी। यस, क्योंकि बीमारी स्वर्ग में है ही नहीं, तनाव स्वर्ग में नहीं है, निराशा स्वर्ग में नहीं है। हेलो। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान क्या चाह रहा है? आपके अंदर निराशा। कई मसीह ऐसे हैं जो अपने जीवन में प्रार्थना ही करते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दैट इज रॉन्ग प्रार्थना, गलत प्रार्थना। ये आपको कमजोर करती है। परमेश्वर से जवाब प्रार्थना जरूर है कि आप जरूर कहें कि परमेश्वर, अगर मैंने आपकी दृष्टि में कोई पाप किया है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। लेकिन परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपको समझ दी है कि आप पहचाने कि आपने क्या गलत किया है। हेलो। बहकाने वाला आता है, आप जा रहे हैं और उसने 500 का नोट डाला, समझे कि नहीं, और वो आपको लूटना चाहता है। और मैं कह रहे बहन, ये आपका 500 का नोट पड़ा हुआ है, कहीं धन्यवाद मेरा दे दी। क्या आपका है? अपने आप को जांचिए, ये मेरे पास 500 का था ही नहीं, ये कहां से, मेरा नहीं है। हेलो, आपको पता होना चाहिए ना कि मैं पवित्र हूं। ये जो शैतान कह रहा है कि नहीं तूने ये पाप किया, कहां पाप किया? मैंने वो पाप किया था, मैं गलत था, मैं व्यभिचारी था। वो विचार जो मेरे अंदर आते हैं वो विचार हैं। मैंने पाप नहीं किया क्योंकि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। तभी हम अपने जीवन को विश्वास से विश्वास की ओर लेके जाएंगे। हम दिन पर दिन बढ़ेंगे। पहले हम 30 गुना फल लाएंगे, फिर 60 गुना लाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम 100 गुना फल लेकर आएंगे।
लेकिन आजकल जो मसीह है वो दोष की भावना, संदेह की भावना में फंसा हुआ है, फंसा हुआ आज का विश्वासी। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में काम नहीं कर पा रही है, इसलिए आपकी बुद्धि नहीं खुल रही है, आपके पास जो है आप उसका आनंद ही नहीं ले रहे हैं। दोष की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो आपके अंदर है आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे। मेरे अंदर पवित्रता का आशीष है, हेलो, मुझे उसका आनंद लेना है। मुझे यीशु ने मंदिर कहा है, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बनकर पैदा हुए। क्यों पैदा हुए? क्योंकि धरती पर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है कि वो अपने जीवन को अच्छी तरह निभाए। मनुष्य को, ये धरती किसके लिए बनी है? उत्पत्ति 1:28 है कि धरती पर बस जा और सब कुछ अपने हक में कर, ठीक है? तो धरती किसके लिए? मनुष्य के लिए। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र बनाया और अपनी आत्मा उसे दी, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से उसने शैतान के कामों को नष्ट किया। वही काम हमें भी करना है। हम मनुष्य के पुत्र हैं, हम पवित्र किए गए हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ है, हमारे अंदर वो आत्मा है कि हम उसके द्वारा शैतान के कामों को नष्ट करें। लेकिन शैतान हमें दोष की भावना डालकर हमें पवित्र होने नहीं देता है। हमारे अंदर भावना आती है कि नहीं यार, मैं पवित्र नहीं हूं। आपको मजा आता है माफी मांगने में? आमेन, आमेन, हालेलुया। 5:26-27 में, यूहन्ना 5:26-27 में, जो महायाजक थे, याजक थे, फारसी थे, वो यीशु मसीह के पास आए और पूछने लगे कि यीशु मसीह, ये काम तो किस अधिकार से करता है? किस अधिकार से करता है तू ये काम? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान जानना चाहता है कि अधिकार क्या है। जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी उस जंगल में जाकर, वो क्या देखना चाह रहा था? किसको भूखी लगी है? आपको क्या पता है कि शैतान रोटी लेकर आएगा क्या? आपको खिलाने के लिए रोटी लाया था वो? हेलो, क्या जवाब देने का भाग गया ना कि रोटी खाना ना लेकर आया था क्या यीशु मसीह के लिए? तो शैतान आपके लिए भी नहीं लेकर आता है, वो आपको सिर्फ आजमाता है। वो देखता है ये आदमी जी कैसे रहा है, आदमी कैसे जी रहा है। वो देखना चाहता यीशु मसीह जी कैसे रहा है, ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा कैसे जी रहा है, क्योंकि वो सुन चुका था इससे पहले परमेश्वर की आवाज कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं खुश हूं। इसलिए वो पता करने आया था कि ये काम कैसे करेगा। अभी पूरी अपनी सेविकाई में यीशु मसीह ने ईश्वरीय सामर्थ का उपयोग नहीं किया, उसने पवित्र आत्मा का के सामर्थ का उपयोग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ से उसने अपना जीवन बिताया। यही सामर्थ जो हमारे अंदर है उसका हमें यूज करना है। लेकिन शैतान एक दुष्भावना, एक दोष की भावना, एक डर, एक संदेह हमारे अंदर हमेशा देता रहता है और हम उस दोष की भावना में जीवन बिताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें डर की भावना में नहीं जीना है, यही तो उसका मकसद है। जेनेसिस 28:15 आप देखिए, मैं आपको पढ़ूंगा, याकूब के बारे में बताऊंगा, याकूब से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे उसके जीवन से। याकूब जो कि इसहाक का बेटा था, आपको पता है कि किस तरीके से उसने अपने भाई का हक छीन लिया, किस तरीके से उसकी माँ ने कहा कि इसहाक से, इसहाक ने कहा अपने बेटे एसाव से कि मुझे खाने के लिए कुछ ला कर दे और मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन याकूब एसाव बनकर इसहाक के पास जाता और आशीष का वरदान ले लेता है। यानी कि उसने झूठ बोला, उसने धोखा दिया। याकूब का मतलब ही धोखेबाज है। याकूब का मतलब क्या है? धोखेबाज। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने उसके पिता को वरदान दिया था,
इब्राहिम को वरदान दिया था तो याकूब चुना गया। और जब याकूब पद्दन आराम में जा रहा था अपने नाना के पास बतूएल के पास, वहां पर लाबान था उसका मामा कि उसकी दोनों बेटियों से उसकी दोनों की दोनों बेटियों में से एक से शादी कर ले। इसहाक का क्या मतलब था? इसहाक ने क्या आज्ञा दी थी? दोनों में से एक किससे शादी कर ले। लेकिन उसने उस आज्ञा को नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पाप था, धोखा था। उसे दोनों शादी की और 20 साल वहां पर बिता दिए। और जाते हुए जबकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं, पढ़िए 28:15, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू और जाए। सुन याकूब सुन ले, ये पद्दन आराम जाने से पहले की बात है जब वो उस पहाड़ी पे था जिसको बैथल नाम दिया गया, बैथलम। वो उस पत्थर के पे सिर रखकर वो सो रहा था और देख रहा था कि वहां से स्वर्ग की सीढ़ियां खुल गई हैं, स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आ रहे हैं स्वर्ग की तरफ और स्वर्ग और पृथ्वी से स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। तब वो उठा और उससे पहले परमेश्वर ने दर्शन में क्या बोला कि सुन, पढ़िए बेटा, और सुन हाँ? मैं तेरे संग रहूंगा। मैं बोलिए मैं परमेश्वर, वो बोल रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। हेलो, अगर परमेश्वर कहे कि मैं तेरे संग हूं, इससे बड़ी कोई बात है? इससे बड़ा कोई खजाना है? मैं तेरे संग हूं, कौन बोल रहा है? बोली कौन बोल रहा है? परमेश्वर। आमेन। आमेन। अगर हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम विश्वास करेंगे तो कभी हमारी प्रॉब्लम आएगी? मैं तेरे संग हूं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए बोली पिता कहता है मैं तेरे संग हूं। आमेन। कोई दुख आए पिता मेरे संग है, उसका वादा है मैं तेरे संग हूं। अगर पिता मेरे संग है तो कोई समस्या टिक सकती है क्या? नहीं। हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हमें डरा देती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दोष की भावना है। हम समझते नहीं कि हम पवित्र हैं। हमें शैतान समझने नहीं देता है कि तू पवित्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, उसकी आत्मा तेरे अंदर। आप सोचिए अगर उसने अपनी आत्मा आपको दे दी है, वो आत्मा पवित्र है? हेलो, मेरे जवाब दीजिए, वो आत्मा पवित्र है? yes. अपनी आत्मा दी है, वो आत्मा पवित्र है? yes. अभी भी गीत गाया हमारी बहन ने, पवित्र आत्मा, वो आत्मा पवित्र है ना? आपके अंदर पवित्र आत्मा है? आपके अंदर उसकी आत्मा है? कितने विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप पवित्र हो सकते हैं? हो सकते हैं आप? आप पवित्र हैं ना? उसकी आत्मा आपके अंदर है, यह चिन्ह है कि आप पवित्र हैं। ये चिन्ह है।